हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी मैं चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों आप सभी का एक कॉमन डाउट है, कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर जो मेल के द्वारा आंसर शीट भेजी गई है वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी पोर्टल पर आंसर शीट अपलोड नहीं होती तब आप मेल करते हो, जो आपकी मेल है 7:30 से 8 बजे के बीच में है कि आप 7:30 से 8 बजे के बीच में मेल कर सकते हो। और जो मॉर्निंग वाले बच्चे जिनका 9:30 बजे से एग्जाम है वो 2:30 बजे से 3 बजे तक अपनी आंसर शीट मेल कर सकते हो। अब आपने अपनी आंसर शीट मेल के द्वारा भेज दी तो बच्चों को डाउट रहता है कि मेरे पास कंफर्मेशन मेल नहीं आया, जैसे कि आप अपनी आंसर शीट मेल पे अपलोड करते हो। तो बहुत से बच्चों को कंफर्मेशन मेल आ जाता है कि जो आपकी आंसर शीट है वो एक्सेप्ट हो गई है, और बहुत से बच्चों को नहीं आ पाता है। तो बच्चे कंफ्यूज है कि हमारी आंसर शीट एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, जो एसएल ने मेल प्रोवाइड करवाई है। देखिए दोस्तों, जितने भी बच्चे मेल के द्वारा अपनी आंसर शीट भेजते हैं तो दोस्तों अपनी तरफ से कोशिश यही करें जो आपकी टाइमिंग है उसी के अंदर भेजें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इन केस एंड में अगर कोई दिक्कत होती है रिजल्ट में तो वो आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं कि मेरे पोर्टल पे ये दिक्कत थी और जो मैंने मेल है टाइम के अंदर किया है, 7:30 से 8 बजे के बीच में मैंने मेल कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर सभी बच्चों ने 7:30 से 8 बजे के बीच में मेल किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर उसके बाद आपने मेल किया है तो दोस्तों इसका तो मैं भी नहीं बोल सकता कि आपकी आंसर शीट एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास कंफर्मेशन मेल आ गया है तो सही है, अगर नहीं आया है तब भी सही है दोस्तों। उसके बाद अब एसओएल के ऊपर है, वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। वैसे मेरे हिसाब से आपकी आंसर शीट एक्सेप्ट हो सकती है, ठीक है, जिन्होंने 8 बजे के बाद अपनी जो मेल करी आंसर शीट। तो अब जिन्होंने टाइम के अंदर कर दी है तो उनकी तो एक्सेप्ट होगी होगी। अब जिन्होंने बाद में करी है उनकी दोस्तों डाउट है कि एक्सेप्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, या तो एब्सेंट दे दिया जाएगा रिजल्ट में या पास कर दिया जाएगा, अब दो ही ऑप्शन बचते हैं। तो ये कंफर्म है कि आपकी जो मेल है वो पक्का कंफर्म कर दी जाएगी। ठीक है, जो आंसर शीट है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी अगर आपने मेल के द्वारा भेजी है 7:30 से 8 बजे के बीच में, और स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं सभी बच्चों से बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना जब आप टाइम के अंदर मेल कर रहे हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आगे आप दिखा सकते हो स्क्रीनशॉट कि ये दिक्कत हुई थी, और जैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत होती है वो भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वो भी एक आपके पास प्रूफ के तौर पर रहेगा। तो ये दो काम कर लेना, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी संभाल के रखना, क्योंकि बाद में बच्चे बोलते हैं मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है तो उसमें एग्जामिनेशन रोल नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अपने पास ध्यान से रखना क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ सकता है, उसको पीडीएफ के रूप में कहीं भी सेव करके रख लेना। और दोस्तों जो भी कोई अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी, और कल के एग्जाम में क्या क्या आएगा उसके ऊपर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवाता हूँ जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। चैनल के ऊपर बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा, जो भी मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा, और क्वेश्चन पेपर भी सबसे पहले अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जो भी कोई दिक्कत होगी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो या कमेंट कर लो, कमेंट कर लोगे तो सही है, इंस्टाग्राम मैसेज कर लोगे सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी डाउट होता है तो आपकी पूरी हेल्प होगी कल, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मैं आज आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या आएगा एग्जाम में। पिछली बार भी जो मैंने बताया वो जरूर आया है, तो इस बार भी जो मैं बताऊंगा उसे ध्यान से देखना क्या क्या आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।